अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 7 डे 14 की बेटा हम बात करते हैं। पार्ट 1 में बना चुकी हूँ, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बना रही हूँ। उसमें मैं आपको ए पार्ट बताने जा रही हूँ। फॉर्मूला हमारे पास रिमेन सेम रहेगा, हमारे पास फॉर्मूला यही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और बल्कि फॉर्मूला वही है, हम बस लेफ्ट जो हमारे पास पहले राइट हैंड साइड थे हम पहले लिख लेते हैं, उसको कोई मसला नहीं होता। उसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने जो है यहाँ पर भी आप प्रीवियस क्वेश्चन से भी आप ऐसे कर लेना बेटा कि इस फॉर्म को पहले लिखना है, आप पहले लिख लेना इसको और इसको हम बाद में लिख लेंगे। इसकी वजह मैं बताती हूँ क्यों, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हमें कौन सी फॉर्म दी हुई है और कौन सी फॉर्म हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूले का हमें लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूले जो चीज़ हमें गिवन होती है फॉर्मूले की, हमने क्या करा उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया है, क्योंकि हमारे पास क्या टर्म है 3a² प्लस 12a प्लस 12, जिसको हमें कन्वर्ट करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर में। लेकिन ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, इस बार हमारे पास एक टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 मौजूद है और हमारे पास a टर्म हमारे पास 3a² है और b टर्म हमारे पास 12 है। तो बेटा 3 जो है ब्रेक नहीं हो सकता, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता 3 ना ही 12 होता है। तो हमने यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, यहाँ पर जो हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, याद हो तो आपने कॉमन आपको आता है निकालना, तीनों में हमने कॉमन निकालना, टेकिंग कॉमन तीनों टर्म्स में से आपने कॉमन निकालना है, जो कि क्या है नंबर में देखें तो हमारे पास 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के में 12 भी आता है और 12 अगेन यहाँ पर रिपीट है तो 12 भी आता है। ए हमारे पास कॉमन नहीं है क्योंकि तीनों में मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे, ए स्क्वायर बचेगा प्लस कितने टाइम्स आता है 3 के टेबल में 12, 4 टाइम्स आता है, ए का ए प्लस का प्लस 3 हमारे पास 12 कब आता है 4 टाइम्स आता है। तो हमारे पास याद रहे इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ना तो 3 स्प्लिट हो रहा था क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नहीं है थी और ना ही 12 स्प्लिट हो रहा था, तो हमने सबसे पहले इसमें कॉमन निकालना है ताकि हमारे पास फॉर्मूला ईजिली कन्वर्ट हो जाए। तो हमने इसमें कॉमन निकालना है, यहाँ पर आप लिख भी लो टे का कॉमन ताकि आपको याद रहे, ठीक है बेटा। आपने कॉमन निकालना है सबसे पहले, उसके बाद ये फॉर्म हमारे पास स्प्लिट हो सकती है। अब इस फॉर्म में कैसे, 3 को हम बाहर ही रखे रहने देंगे अपने, ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ताकि ये स्मॉल और स्क्वायर ब्रैकेट आपस में मिक्सअप ना हो। ये 3 का कोई काम नहीं है, 3 बाहर ही रहेगा। इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए टर्म हमारे पास क्या है ए ही रहेगी क्योंकि ए का स्क्वायर ए होता है। 4 को स्प्लिट करना है, 4 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो हमारे पास ए टर्म भी आ गई है और बी टर्म भी आ गई, तो हम ए और बी को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि 2 2 4 ए यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है। तो हमारे पास 3 का कोई काम नहीं, 3 एज इट इज़ रहेगा। हमें यहाँ से अपनी ए टर्म मिल चुकी है ए और बी टर्म मिल चुकी है हमारे पास क्या है 2 का होल स्क्वायर। फिर दोबारा कह दूँ, सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमने देखा कि हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमने क्या लिया टेक कॉमन, तो हमने कॉमन यहाँ पर लिया है। इस कॉमन लेने की वजह से हमें क्या यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो पहले से वेरिएबल को इतना इशू नहीं होता, उस पर हमने होल स्क्वायर लगा दिया है और 4 को हमने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया क्योंकि आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। फॉर्मूला हमने इस पर अप्लाई करा है, 3 का हमने एज इट इज़ उतारा है, हमारे पास ए टर्म भी आ गए, हमारे पास बी टर्म भी आ गई, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सी पार्ट है जो कि फ्रैक्शन में है, लेकिन इससे कोई इशू नहीं है आपको, आपको क्राइटेरिया आना चाहिए। अब हमने अगेन अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है सॉल्यूशन के बाद, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। बात याद रहे हमें फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, इसको मैंने स्क्वायर में नहीं करा इसको, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, इसको हमने अपने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास ए और बी टर्म जो है वो स्प्लिट नहीं है, तो हमने इसको स्प्लिट करना है, जस्टिफाई करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए टर्म के लिए स्क्वायर प्लस 2 ए टर्म बी टर्म प्लस बी टर्म का स्क्वायर। ए टर्म क्योंकि हमारे पास जो है 16 और 49 है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। इसी तरीके से बी टर्म हमारे पास क्या है 1/25, 1 तो 1 ही का स्क्वायर होता है और 25 को स्प्लिट कर देंगे 5 में क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हमारे पास ए बी टर्म आ गया, बी बी टर्म आ गई, तो हम ए की जगह 4/7
कॉपी डाउन कर लेंगे और बी की जगह 1/5। तो आप देख सकते हो हमारे पास मिडल टर्म कैसे जस्टिफाई हो रही है, 2 4 8, 7 5 35, और सॉरी देखिए मैंने एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक कर दी, यहाँ पर डी भी तो मौजूद है तो यहाँ पर डी भी आएगा, और यहाँ पर एफ भी आएगा। बात याद रहे वेरिएबल पे भी तो स्क्वायर है ना बेटा, ओवरऑल स्क्वायर है ना, इस पर तो हमने 16 को ब्रेक कर दिया, 14 को ब्रेक कर दिया, और डी को हमने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ओवरऑल स्क्वायर इस पर स्क्वायर होगा। इस तरीके से यहाँ पर एफ भी लिखना है, तो ये हमारे पास 4/7 डी और 1/5 एफ। याद रहे बात वेरिएबल भी मौजूद है, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, तो आपने लाजमी जो है देखना है कि बेटा वेरिएबल भी हमने लिखना है इस तरीके से, 2 4 8, 7 5 35, और डी एज डी एफ। तो हमारे पास जस्टिफिकेशन हो रही है पूरे क्वेश्चन की, तो इट मीन्स कि हमने सही तरीके से स्प्लिट किया है। तो इसी के साथ साथ हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास ए टर्म आ चुकी है, क्या है 4/7 डी प्लस, और बी फॉर्म बी हमारे पास क्या है 1/5 एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म कन्वर्ट हो गई है। अब हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है क्योंकि हमारे पास ए टर्म भी आ चुकी है और बी टर्म भी आ चुकी है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मेरे आंसर। इंशाल्लाह आपको कोई भी इशू होता है इस क्वेश्चंस के हवाले से आप डिस्कस कर सकते हैं, इंडेक्स टाइम टू टाइम मेंटेन करिएगा। जजाकल्लाह।